अब मैं चला डबल डेकर में ऊपर वाली छत पर, आप भी आइए, थोड़ा मुंबई का नज़ारा भी लीजिए और बातचीत हम जनता से करते भी चलेंगे। ये भी देखिए, ये साउथ मुंबई का इलाका है जो कि एशिया का सबसे महंगा इलाका है। देखिए ये कौन सी रोड है, ये बदवार पार्क, बदवार पार्क, अर्द्वाज पार्क, बदवार पार्क, मच्छीमार नगर, ऐसा नाम ले रही हो मूड ही खराब हो जाए। हमने बोले एशिया का सबसे महंगा इलाका है, तुमने मच्छीमार और बदवा पार्क क्या क्या। आगे कौन सा रोड है, आगे प्रेसिडेंट होटल, प्रेसिडेंट होटल, सब बस स्टॉप ही बता रही हो प्रेसिडेंट होटल है, मैं रोड पूछ रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, अब आप ये बताओ कि आप क्या करती है। हम क्या बताएं। अरे जो करती हो वो तो बताओगी बच्ची, मतलब जॉब क्या करते हैं। जॉब करती हो, अच्छा आप रहती कहाँ हो। कफ्फरेट। तो बड़ा महंगा इलाका है कफ्फरेट। अच्छा आपका नाम क्या है। भारती। आप मराठी हैं। कर्नाटक से। यहाँ कब से रहती है। 8 साल से। कर्नाटक में कहाँ से। यादगिरी। यादगिरी। ओ मैं गया था, अभी चुनाव था उधर कर्नाटक में। तो एक बात ये बताइए कि आपको पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत जानकारी है। नहीं। कुछ नहीं, नहीं। क्यों देख रही हो, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी, आज कितना धाकड़ उन्होंने बयान दिया है। उनको जानती हैं आप, सुप्रिया सुले को। नहीं जानती सर। अच्छा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जानती हो। हाँ जानती हूँ। कौन। नहीं जानती थी आप, इनको पूछो, मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं नहीं मुख्यमंत्री का कुछ इसके लिए बताया। हाँ जी आप बताओ यार। जी सर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर। अब तुम यार पहली हो जो है। अरे क्या हो रहा है शरद पवार और अजीत पवार, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेके आम आदमी क्या सोचता है। सर सब अपने अपनी पॉलिटिक्स करते हैं ना सर, सबको राइट से पॉलिटिक्स करने का सब कर रहे हैं, सबको राइट से। सही कौन है इसमें सर। अभी सही तो कोई भी नहीं है सर, सही तो सब अपनी अपनी जगह सही है ना सर, सब अपनी अपनी जगह सही है। कांग्रेस अपनी जगह सही है, बीजेपी अपनी जगह सही है, हर पॉलिटिक्स वाला अपनी अपनी जगह सही है सर, हर कोई पॉलिटिक्स कर सकता है सर। आज चुनाव हो अगर तो किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। महाराष्ट्र में सर अगर मैं कैसे बोल सकता हूँ सर, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना सर, मैं कैसा बोल सकता हूँ। अरे तुम अपना बताओ ना यार। मैं कैसा बताऊँ सर, मैं तो वोट देता हूँ तो सर कांग्रेस को देता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम तनवीर शेख है सर। तनवीर शेख ये यार आँख में सुरमा बड़ा जबरदस्त लगाया। हाँ सर हम एक बार गए थे टीपू सुल्तान, वहाँ कोलकाता की मस्जिद है बड़ी फेमस टीपू सुल्तान मस्जिद, वहाँ जुमे के दिन ज़्यादातर जो आ रहे थे नमाज पढ़ने पहले सुरमा लगा ले रहे थे। हाँ सर लगाते ना, सुरमा लगाना अच्छी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सुरमा लगाना, अच्छी बात है। आँखों की आँखों को ठंडक मिलती है, आँखों का कचरा निकल जाता है, आँखों में बीमारी नहीं होती है, बहुत से फ़ायदे ना सर सुरमा लगाने के, इसीलिए लगाते। नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।